नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णपाल राठौर। कहते हैं कि अगर जीते जी आपको स्वर्ग देखना हो तो आप संत के चरणों में बैठ जाइए। जी हां, ऐसे ही एक संत है, इंदौर के ही ये रहवासी है। हमने इनके शिष्यों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाल ही में दिव्य कुमार गोस्वामी जी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसे हुआ ये करिश्मा। गिरिराज धारण की जय, शिवल्लभादेश की जय। जतिपुरा मथुरा के अंतर्गत जतिपुरा में श्री गिरिराज पर्वत विराजमान है, जो कि हम सभी वैष्णोजनों की और हम लोग सभी शिवल्लभ पुष्टिमार्गी वैष्णो संप्रदाय से हैं हम सभी। और आचार्य होने के नाते हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि सभी वैष्णवों को एकत्रित करना और उन्हें सद्ज्ञान देना, प्रदान करना। तो हम सभी को एकत्रित करके और गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और दंडवती परिक्रमा हम लोगों की थी। यह दंडवती परिक्रमा में दंडवत करते हुए 21 किलोमीटर की परिक्रमा करनी होती है और श्री गिरिराज बाबा की कृपा से, श्रीनाथ जी की, रमनाथ जी की कृपा से यह ऐसा अवसर प्रदान हुआ, ऐसा अवसर आपसे प्रदान किया कि सभी ने आनंद से यह यात्रा को संपूर्ण की और यूके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा उनको यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, जिसमें 584 वैष्णवजन हमारे साथ सम्मिलित थे जिन्होंने दंडवती परिक्रमा करी। तो यह अभी तक की दंडवती परिक्रमा में सर्वाधिक वैष्णव द्वारा दंडवती परिक्रमा है, इसलिए यह रिकॉर्ड कायम हुआ। और वैसे तो साथ में 2,000 से 3,000 वैष्णवजन सब साथ में थे, लेकिन दंडवत करने वाले, दंडवती परिक्रमा करने वाले 584 वैष्णव में साथ। महाराज जी, आपने इससे पहले सोचा था कि ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ सोच के हम लोग नहीं गए थे। हम तो मात्र एक भक्ति करने, प्रभु को दंडवत करने, उनकी आराधना करने, सब वैष्णवों के साथ में हम लोग मिलें, सब भक्त लोग सब साथ में रहें और हम लोग एक जो हमारा पुष्टि संप्रदाय है, जो एक हिंदू सनातन धर्म की जो क्रम रहते हैं, जो आजकल यंगस्टर्स में, युवा पीढ़ी में जो लुप्त होते जा रहे हैं, उन्हें फिर से उनमें प्रदान किया जाए, इस उद्देश्य से हम लोग सभी वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर कुछ ठाकुर जी की, प्रभु की ऐसी कृपा हुई और यह सब क्रम भी बन गया और रिकॉर्ड्स आए। पूरा हिंदू धर्म आपको बधाई दे रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा और मेरा तो बस यही सभी से कहना है कि हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहें, सभी आचार्य एक हैं, सभी धर्म संप्रदाय के कुछ नियम, क्रम, पद्धतियाँ कुछ अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सभी का उद्देश्य तो एक ही रहता है। तो हम सभी को साथ में मिलकर चलना चाहिए। और एक महाभारत के अंतर्गत एक श्री युधिष्ठिर के एक वचन है, उसका पालन हम लोग सब कर रहे हैं तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उनका यह कहना था कि जब औरों के साथ जब हम युद्ध कर रहे हैं तब हम लोग 5 हैं और वह 100 है, लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ आ जाती है तब हम लोग 105 भाई एक साथ खड़े हुए हैं। तो वही बात हम लोगों को भी साथ में रखना चाहिए कि कुछ कुछ मंतव्य हम सबके अलग होंगे, लेकिन वास्तव में तो हम लोग सब एक ही हैं और ये भारत माता है। हम लोग सभी देश की प्रगति करें, अपने राष्ट्र हमारा आगे बढ़े, हम लोग सब अपने सर्व संप्रदाय को आगे बढ़ाएं और सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखें, बस यही मेरी शुभकामना। एक आखिरी सवाल मैं पर्सनल करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु ज्ञान का भंडार होता है और ऐसे में हमारे दर्शक भी अपेक्षा में बैठे होंगे कि हम भी यहाँ से कुछ ज्ञान लेकर जाए। जाते जाते एक कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? सभी से यही कहना चाहूँगा कि हम सभी धर्म से जुड़ें और धर्म में एक ऐसी शक्ति है, धर्म हमको जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमको जीवन को जीना कैसे चाहिए। सही मायने में हम लोग सही गुरु का चयन करें, आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं वहाँ से उनसे शिक्षा प्राप्त करें, जब भी गुरु के पास जाएं अपने प्रश्न रखिए, जिज्ञासाओं को प्रकट करें, उनका समाधान लें और हम लोग जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि आज प्रत्येक मानव दुखी है, कुछ न कुछ टेंशन है, त्रस्त है, तो हम लोग जब गुरु के पास में बैठते हैं,
धर्म से जब हम लोग जुड़ते हैं तो हमको एक जीवन जीने की कला सीखते हैं, हम लोग के जीवन को भी जिया कैसे जाता है। क्योंकि जब हम लोग सुबह उठ रहे हैं जब हमारा तब हमारा नया जन्म है, और जब रात्रि को हम लोग सोने जा रहे हैं विश्राम करने तब हमारी मृत्यु है। तो हम लोग रोज हमारा नया जन्म मृत्यु है, हम लोग इस तरह से जीवन जीना चाहिए, आनंदित जीवन जीना चाहिए कि हम लोग के लिए कोई कह सके कि नहीं इन्होंने कुछ जीवन जिया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और घमासान डॉट कॉम ऐसी धर्म दर्शन की खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा, और गुरुजी को घमासान डॉट कॉम की तरफ से भी इस रिकॉर्ड की बहुत बहुत बधाई। आप देखते रहिए घमासान डॉट कॉम।